Shaad Ali's Soorma, narrated from Harpreet Kaur's point of view. The film captures Sandeep's early life in Shahabad, Haryana, where every young person's goal in life is to play hockey for India. The movie released today. Let's find out how the public have reacted to the film. काफी inspiration था और ऐसा लगता है कि इंडिया में और भी ऐसी stories जो अभी तक पहुंची नहीं है theaters में, तो ये उनमें से एक थी. करीब काफी inspiration. क्या कुछ सबसे खास लगा film? जिस तरह से वो recover करते हैं और finally वो इंडिया के लिए खेलते हैं, किसी और चीज के लिए नहीं. एक थोड़ा disappointing fact ये था कि hall काफी खाली था and हैरानी वाली बात ये है कि race 3 जैसी कोई movie आएगी तो लोग मतलब जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. बट कितनी अच्छी मूवी, इतने अच्छा स्क्रिप्ट. शाद अली इसके डायरेक्टर हैं, हु हैज़ डायरेक्टेड लाइक ग्रेट मूवीज़ इन द पास्ट एज वेल. दिलजीत दोसांझ के लिए भी अच्छा था क्योंकि उड़ता पंजाब के बाद जो उनकी दो मूवीज़ आई हैं उन्होंने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पे किया नहीं था, तो इस तरह की कुछ मूवी रिक्वायर्ड थी. काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एक्चुअली दिलजीत बहुत अच्छा लगा है, उसने बहुत मेहनत करी है इस कैरेक्टर को लेकर, बिकॉज वो एक ऐसे बंदे का कैरेक्टर प्ले कर रहा है जो हॉकी प्लेयर है बेसिकली. सो वो लग रहा है हॉकी प्लेयर्स ने बहुत मेहनत करी अपनी बॉडी पे, अपनी एक्टिंग पे. यू नो आई वुड से दैट यू नो ऑल दीज बायोपिक दे शुड रियली कम बिकॉज अदरवाइज वी डोंट गेट टू नो दैट यू नो पीपल हैव स्ट्रगल्ड सो मच इन देयर लाइफ. बट फ्रॉम वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स वी सी दैट यू नो ओके लाइक यू नो द ऑर्डिनरी पीपल लाइक नॉर्मल पीपल दे कैन डू सो मच. सो आई थिंक वी कैन ऑल्सो डू. फुटबॉल और इसके वगैरह ऐसी मूवी क्रिकेट की इतनी बनती है तो हॉकी की अभी बनी है. इट इज़ अ गुड वे ऑफ अपग्रेडिंग हॉकी. हमारी कंट्री में हॉकी को इतना नहीं मानते हैं लेकिन आई थिंक वी शुड लुक आफ्टर दिस नेशनल गेम आल्सो. नाउ लेट्स चेक द नंबर ऑफ स्टार्स दे गिव द मूवी. 3.5 4.5 5 नो डाउट. आई विल गिव 6. कितने स्टार्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 4.5. So overall, Soorma just makes you happy for the unsung heroes whom cinema has the power and reach to put on a pedestal. IANS report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.